बट मैंने अभी स्टूडेंट से बात की है काफियों से तो मुझे पता चला है कि सिलेबस में कुछ ज्यादा ऐसा चेंज नहीं है कुछ चैप्टर्स एक दो एक दो पॉइंट ही ऐड होंगे तो जब वो ऐड होंगे तो मैं उनको कवर कर लूंगा अभी इसी चैप्टर के बेस पे मैं इसकी वीडियोस बनाता हूँ सो so, सबसे पहले गाइस इस चैप्टर का एक छोटा सा बैकग्राउंड तुम्हें बता देता हूँ ये जो चैप्टर है ये चैप्टर ए सी सी एफ टू के चैप्टर नंबर वन एंड टू से काफ़ी हद तक लिख गया मतलब तुम ये लगा लो चैप्टर नंबर वन का जो पार्ट वन है वो पूरा पूरा एग्जैक्टली यहाँ पे है और चैप्टर नंबर टू का भी काफ़ी हद तक पार्ट यहाँ पे है सो so बेसिकली तुम सोच लो कि सर ऐसी बात है तो इस चैप्टर को इसमें इंट्रोड्यूस क्यों किया है रीजन क्या था कि हमारा जब 2020 में सिलेबस चेंज हुआ था बेसिकली दो तीन चैप्टर अपडेट हुए थे एफ टू में तो वो वाले चैप्टर्स इन्होंने एफ फ़ाइव में भी इनकॉर्पोरेट कर दिए बेसिकली ये जो चैप्टर है ये चैप्टर इज़ नॉट रिलेटेड टू योर कॉस्टिंग इसका कॉस्टिंग से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है दिस चैप्टर इज़ मोस्टली लाइक कंप्यूटर्स आई डेटा ये सारा चैप्टर इससे रिलेटेड है और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि नए चैप्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं तो इसके इसमें से क्वेश्चन के आने चांसेस ज़्यादा होते हैं तो इन चैप्टर्स को हमें अच्छे से पढ़ना है और जो पार्ट मैं बोलूँगा कि तुम्हारा एफ़ टू में ऑलरेडी कवर्ड है मैंने तुम्हें इस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग वाली वीडियोज़ में बोला था कि इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए तुम्हारे को एफ़ पूरा पढ़ना पड़ेगा तो जो स्टूडेंट्स ने एफ टू एक्चुअली में पढ़ा है दे कैन स्किप दैट पार्ट एंड स्टार्ट फ्रॉम हेयर लेकिन जिन जिन बच्चों ने एफ बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनको एक बार एफ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट एडवांस लेवल है तो एडवांस लेवल पे तभी जाएंगे ना जब हमें बेस सिखाता होगा सो लेट स्टार्ट चैप्टर बहुत बातें हो गई बिफोर वी स्टार्ट प्लीज इफ़ नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल सब्सक्राइब एंड जितना हो सकते हो गाइज शेयर करो मेरा चैनल आई वॉज एक्सपेक्टिंग अभी तक मेरे को टेन के क्रॉस करने का मेरा टारगेट था बट वो टारगेट बिल्कुल भी अचीव नहीं हुआ है काफ़ी दूर हूँ मैं इस टारगेट से मैंने इतने सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो डाल दी एग्ज़ाम किट्स भी डाल दिए स्टिल मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत स्लो बढ़ रहे हैं So guys, a request from your side, please, please, please subscribe. If not, and share my channel as. So guys, to make ये सारा उसमें अच्छे से डिटेल्ड कवर्ड है पूरा वर्ड टू वर्ड तो यहां पे आई कैन स्किप दिस पार्ट मैं इस पार्ट को स्किप कर सकता हूं शॉर्ट पार्ट सोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन तो सबसे पहले गाइस सबसे पहले जो मैंने पार्ट टू में बोला है उसकी वीडियो देख के उसके बाद यहाँ पे आना वरना यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है ठीक है सो लेट्स स्टार्ट सो सोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सो बेसिकली पार्ट ये बोल रहा है कि जो भी मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन आती है वो कहाँ कहाँ से आ सकती है ये हमारा बिजनेस है अगर हमें डेटा इंफॉर्मेशन चाहिए हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं तो इंफॉर्मेशन कैन बी इंटरनली जनरेटेड जैसे इंटरनली हमने देखा हमारी कितनी सेल्स हो रही हैं क्या परचेज़ कॉस्ट है और क्या हमारी ग्रोथ कितनी हो रही है पहले से कितने ज़्यादा प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं सो दोज़ आर कॉल्ड इंटरनल इंफॉर्मेशन इम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड से पता चलेगा कितने इंप्लॉयज़ ऑफिस छोड़ के जा रहे हैं कितने इंटरेस्टेड हैं वो सारा हमें मिल जाएगा और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होती है हमें बाहर से पता चलेगा कि हमारे कॉम्पिटिटर की सेल्स कितनी हो रही हैं कॉम्पिटिटर ने कितनी ग्रोथ कर ली गवर्नमेंट ने क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हम जैसे बिजनेस पे लगाई हैं दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑफ टू टाइप इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जाम्पल अभी हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि यहाँ पे पूरा डिटेल में हम इंटरनल करेंगे तो इंटरनल रिसोर्सिस क्या होते हैं इंटरनल सोर्सेज इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी टेकन फ्रॉम वराइटी ऑफ एरियाज सच एज सेल्स लेजर वॉल्यूम ऑफ सेल्स पेरोल सिस्टम नंबर ऑफ इम्प्लॉयिज और नॉन करंट एसेट सिस्टम मेथड रेट एक्सेट्रा सो यहां से हमें पता चलेगा इंटरनल सोर्स सो एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल डेटा क्या क्या हो सकता है जैसे सेल्स से पर प्रोडक्ट मेरी कितनी सेल्स हो रही है पर एरिया पर जोग्राफी पर कस्टमर कितनी सेल हो रही है तो ऐसी सेल्स लेजर सिस्टम परचेज लेजर सिस्टम सिस्टम ये सारी चीज एक बार जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं अच्छे से कराऊंगा गाइज जो बहुत ही सिंपल प्लेन रीडिंग वाले हैं तुम अब स्किल लेवल पे आ चुके हो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीड दिस लाइक बच्चों की तरह के एक एक वर्ड में तुम्हें पढ़ाऊँ ऑफकोर्स है ना तो ये एक बार रीड कर लेना कोई भी डाउट हो तो ग्रुप में पूछ लेना देन आता है एक्सटर्नल सोर्सेज अब एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कौन से हो सकते हैं डेटा बाहर से हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं तो जैसे सब वहाँ से हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं मे बी ऑन कैश मे बी ऑन क्रेडिट वहाँ से हमें क्या पता चलेगा प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या चल रहे हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है क्या चेंजेस आए न्यूज़पेपर जर्नल से हमारी कंपनी के शेयर का प्राइस मार्केट प्राइस तो हमें मार्केट से पता चलेगा ना हमारी कंपनी का अगर हमें चेक करना है हमारी कंपनी का मार्केट प्राइस क्या है तो वो तो मार्केट में जाके ही पता चलेगा हमारी कंपनी अंदर से तो बता नहीं सकती हम तो सिर्फ अपनी कंपनी की अर्निंग पर शेयर या वैल्यू पर शेयर निकाल सकते हैं बट मार्केट प्राइस तो मार्केट से ही पता चलेगा कि आज की डेट में शेयर किस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन ऑन कॉम्पिटिटर्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स नेशनल मार्केट सर्वेज गवर्नमेंट से हमें क्या पता चलेगा इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स क्या चल रहे हैं टैक्सीशन पॉलिसी क्या है इन्फ्लेशन क्या है आगे जाके हमारा क्या कहते हैं इकोनॉमी uh, कैसी चल रही है इकोनॉमी बूम है तो हमारा ऑब्वियसली बिज़नेस चलेगा इकोनॉमी रिसेशन में आ रही है तो बिजनेस में फॉल आने के चांसेस हैं डेमोग्राफिक फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ कस्टमर्स कस्टमर से क्या पता चलेगा व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट कस्टमर इज़ एक्सपेक्टिंग प्राइस सेंसिटिविटी के प्रोडक्ट प्रोडक्ट के प्राइसिंग के लिए कस्टमर कितना सेंसिटिव है कि प्राइस ज़रा सा चेंज हुआ और कस्टमर भाग जाएगा इंप्लॉयज़ से पता चलेगा अब इम्प्लॉयज़ जो हैं यहाँ पे इम्प्लॉयज़ वैसे इंटरनल होते हैं तो इसको इंप्लॉयज की जगह यू कैन से ट्रेड यूनियंस इंप्लॉयज की जगह ट्रेड यूनियंस इंप्लॉयज तो इंटरनली होते हैं वो तो इंटरनल इंफॉर्मेशन देते हैं अब यहां पे इन्होंने इंप्लॉयज के बारे में नहीं लिखा हुआ बट इंप्लाइज से हमें इंटरनल इंफॉर्मेशन मिलती है तो ट्रेड यूनियंस आर लाइक वेज की क्या डिमांड चल रही है इंप्लॉयज क्या वेजेस डिमांड कर रहे हैं वर्किंग कंडीशंस क्या हैं बैंक से हमें क्या पता चलेगा कि कस्टमर्स एंड इंफॉर्मेशन ऑन नेशनल मार्केट्स वगैरह बैंक लोन्स का पता चलेगा कि लोन का रेट्स क्या चल रहे हैं बिजनेस इंक्वायरी एजेंट्स इंफॉर्मेशन ऑन कंपटीशन इंफॉर्मेशन ऑन कस्टमर्स इंटरनेट से तो हमें सब कुछ ही मिल जाएगा सारी चीज़ें इंटरनेट से मिल जाएंगी सो दीज़ आर एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन सो द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन मे बी यूज इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ ऑफकोर्स इन दोनों इन्फॉर्मेशन से हम प्लानिंग भी कर सकते हैं फ्यूचर के लिए एंड उसके बाद जो भी हमने प्लान किया था वी कैन सी एंड चेक कि जो हमने प्लान किया था क्या एक्चुअली काम वैसा हो रहा है या कुछ चेंज रिक्वायर्ड हमें चेंज है चेंज की रिक्वायरमेंट है जो हमें करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चल जाएंगी नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम सो ये जो सब्जेक्ट है और ये जो टॉपिक है ये आई थिंक हमने एफ़ वन में करा था बट आई एम नॉट लिंकिंग दैट हे आई एम नॉट आस्किंग यू के एफ वन की भी वीडियो वो देखो तो so, मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा वो टॉपिक सो आई टी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक टर्म होती है एक होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉ टेक्नोलॉजी को यू कैन सिंपली से इट्स लाइक हार्डवेयर आजकल तो तुम सारे बच्चों को पता होगा हार्डवेयर क्या होता है तुम हमसे ज़्यादा एडवांस हो हम तो हमारी तो उम्र निकल गई है तुम्हें ज्यादा पता होगा कंप्यूटर के हार्डवेयर उसमें क्या क्या ग्राफिक्स होते हैं रैम होती है और तो ग्राफिक कार्ड होता है पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती हैं आजकल सो दोज आर कॉल्ड हार्डवेयर आई इट डिस्क्राइब्स एनी इक्विपमेंट कंसर्न विद द कैप्चर स्टोरेज ट्रांसमिशन और प्रजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन द आई टी इज सपोर्टिंग हार्डवेयर ट प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर टू रन द इन्फॉर्मेशन सिस्टम तो वो सारा हार्डवेयर जिसके यूज से हमारा सॉफ्टवेयर चलता है सिस्टम चलता है सिस्टम इज लाइक अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज लाइक विंडोज एन एग्जाम्पल वी कैन से विंडो इज लाइक अ इन्फॉर्मेशन सिस्टम सो इन्फॉर्मेशन सिस्टम रेफर्स टू द प्रोविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट द रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन information system are also seen as valuable strategic source which can help organization gain competitive advantage and those instances where information system basically information system help links the organization to customers and suppliers creates effective integration of the use of information in the value adding process enable the organization to develop produce market and deliver new product बेसिकली सारा सिस्टम जिससे हम कुछ कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज हार्डवेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम इज सॉफ्टवेयर क्रक्स सिंपल जो तुम्हें याद करना है अब आता है व्हाट इज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्यों चाहिए अब इंफॉर्मेशन सिस्टम वैसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था इट्स लाइक विंडोज लेकिन इसको हम बोल सकते हैं जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम को टैली टैली और जैसे इंडिया से बाहर यूज होता है कुछ सिस्टम ऐसे बने होते हैं में तुम अपनी स्टेटमेंट जो होती है दैट मीन फाइनेंशियल पोजिशन बैलेंस शीट उस सॉफ्टवेयर में पंच करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सारी रेशोज निकाल देगा तुमने तीन साल की स्टेटमेंट डाली उसने तीनों सालों की ऑटोमेटिक रेशोस भी निकाल देने और रेशोज को कंपेयर करके तुम्हें बता देना है कि हाँ पे रेशो में चेंज आ रहा है इसको रेड मार्क कर देगा और रेशो बड़ी है अच्छी हुई है तो उसको ग्रीन मार्क कर देगा दो सिस्टम्स आर लाइक इंफॉर्मेशन सिस्टम द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन नीड इंफॉर्मेशन सिस्टम टू एनेबल देम कैप्चर एंड जनरेट द इंफॉर्मेशन दैट मैनेजर्स नीड फॉर प्लानिंग कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग देर आर टू मेन रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इसकी जरूरत नहीं है पढ़ने की जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड देर आर टू मेन रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन दर्गनाइजेशन पहला सपोर्ट ऑपरेशन थ्रू प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन जैसे हमारा क्विक बुक्स क्विक बुक्स इंडिया से बाहर फॉरन में यूज होता है और इंडिया में जैसे यूज होता है टाली बेसिकली जो भी हम जर्नल करते हैं वो जर्नल हम टैली में डाल देते हैं ऑटोमेटिकली टैली उसका लेजर ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट बना रहता है और डेटा उसमें स्टोर रहता है कभी भी हम चाहे कोई भी एंट्री चेक कर सकते हैं दैट इज हमारा सपोर्ट ऑपरेशन दिस इज सपोर्ट ऑपरेशन डरिंग ऑफ सपोर्ट मैनेजरियल एक्टिविटीज सच एज डिसीजन मेकिंग जैसा मैंने बताया था प्लानिंग परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल देर आर टू मेन रूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन दर्गेनाइजेशन इसमें इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन मेक डिसीजन फॉर प्लानिंग पर्पज फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फॉर कंट्रोल ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ठीक है तो आई थिंक तुमने एक बार ये पढ़ा होगा रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन के यूजेस क्या होते हैं तो मैं एक चीज बोलूंगा एफ टू में टुकड़ों में कहीं पे तुमने ये चीज पढ़ी हुई है एंड नहीं कि नहीं तुम्हें ये पार्ट अच्छे से समझ आ जाएगा एग्जाम्पल बेसिकली ये पूछ रहे हैं इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी होती है कोई भी इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी होती है तो इंफॉर्मेशन डिसीजन लेने के लिए जैसे इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन इंफॉर्मेशन यूज बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम मे बी क्लासीफाइड एज इंटरनल एक्सटर्नल इसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं प्लानिंग के लिए परफॉर्मेंस मैनेज मेजरमेंट के लिए कि हम ओवरऑल जो हमारी परफॉर्मेंस चल रही है वो ठीक चल रही है कि नहीं चल रही दूसरी कंपनी से कंपेयर करके सो जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड तुम्हें ये पार्ट अच्छे से समझ आ जाएगा ठीक है इस पूरे पार्ट को एक बार पढ़ लेना मैं गाइस ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं तुम्हें पहले भी बोला था कि ये सब्जेक्ट ऐसा है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो रिक्वायर्ड है वही पढ़ेंगे जो रिक्वायर्ड नहीं है आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो फॉर थ्री आवर्स टू आवर्स बिल्कुल तुम्हारे को ऐसे पढ़ाऊँ कि इसका मतलब ये इसका मतलब ये यू हैव ऑलरेडी ग्रोन अप यू आर एट अ स्किल लेवल ठीक है ना ये सारी चीज़ें तुमने इतनी बार पढ़ ली हैं कि इन सब चीज़ों पर करूँगा तो तुम बोर हो जाओगे उबासियाँ लेते रहोगे मुझे कई खुद कई बार पढ़ाते पढ़ाते उबासी आ जाती है कि यार ये टॉपिक इतनी बार करा दिया तो इट्स बेटर बट वहाँ जब मैं पढ़ाता हूँ जैसे ट्वेल्थ को मैं पढ़ाता हूँ अकाउंट्स और वो मेरा प्रोफेशन है तो वहाँ मुझे ये चीज ढंग से पढ़ानी पड़ती है हर नए सब्जेक्ट बच्चे को लेकिन ये चीज़ ऑलरेडी हम काफ़ी बार कर चुके हैं तो ठीक है आई नॉट स्ट्रेच इट अगेन तो मैं फेर उबासी आ जाएगी नेक्स्ट कास्ट एंड बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम अब कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कोई एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनवाया ठीक है कंप्यूटर बनवाया कंप्यूटर में मैंने इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये भी तुमने F1 में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं कराऊंगा मैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम तो ऐसा कोई सिस्टम या चलो इजी करने के लिए जैसे टैली मैंने बताया था कि मैंने टैली का सॉफ्टवेयर पूरा अपना कस्टमाइज कंपनी के लिए बनवाया कि मेरी कंपनी के लिए कस्टमाइज अमाउंट अब अगर मेरी कंपनी में पूरा साल ट्रांजेक्शन्स ही टेन होती हैं मेरे पूरा साल कंपनी में दस ट्रांजेक्शन्स होती हैं बस दस बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं इग्जाम्पल जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल जस्ट एन एग्ज़ाम्पल एक्चुअली कुछ और होगा बट जैसे रॉयल्स रॉयस कार्स है रॉयल्स रॉयस कार्स बहुत ज़्यादा लोग नहीं परचेस करते कि हर रोज रॉल्स रॉयस एक बिक्री है बहुत महंगी महंगी जैसे लैम्बॉर ठीक है और फरारी ये सारी जो कार्स मे बैक ये सारी जो कार्स होती हैं ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी बिक जाती हैं तो इनकी साल में दस बारह पंद्रह गाड़ियाँ बिकती होंगी मतलब दिस इज़ वॉट आई मैं एग्जाम्पल तो के उस पर बता रहा हूँ तो इन ब, इन लोगों के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हालांकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इनके लिए ज़रूरी होता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट सोचो किसी एक बिज़नेस की पूरा साल सिर्फ टेन ट्रांजेक्शन हैं तो क्या इतनी सी ट्रांजेक्शन के लिए पूरा एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाना ज़रूरी है मतलब इतना खर्चा जितना उस सॉफ़्टवेयर पर कर रहे हैं क्या उस खर्चे से हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है उतना सो दैट इज कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सो इंफॉर्मेशन की द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन की वैल्यू क्या होती है कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फॉर यूज बाय मैनेजर्स हैज अ कॉस्ट जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको प्रोसेस करते हैं जैसे टैली सोटीटोली में इन सब की एक कॉस्ट होती है द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन टू द बिजनेस मस्ट बी ग्रेटर दैन दॉट के जो वैल्यू उस इंफॉर्मेशन की हमें मिल रही है वो कॉस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए इन अदर वर्ड्स द बेनिफिट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन सिस्टम शुड बी ग्रेटर दैन इट्स कॉस्ट इफ दिस इज द केस द न्यू इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज वर्थ इम्प्लीमेंटिंग जैसे तुम सब बच्चों को नहीं पता हुआ इंडियन स्टूडेंट्स को शायद थोड़ा बहुत पताओ मैं बता देता हूँ यू आर आ नाउ स्किल स्टूडेंट ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए अभी अभी गवर्नमेंट ने 4200 इंडियन गवर्नमेंट ने 4200 करोड़ स्पेंड किए हैं जस्ट फॉर मेकिंग अ न्यू इनकम टैक्स वेबसाइट एक वेबसाइट को बनाने में 4200 करोड़ स्पेंड किए सो दिस इज आल्सो लाइक अ इंफॉर्मेशन सिस्टम ठीक है ना जो गवर्नमेंट ने ये इंफॉर्मेशन सिस्टम अपने पूरे लोगों के लिए बनाया है तो इसकी कॉस्ट है फोर्टी टू हंड्रेड करोड़ विच इज वेरी वेरी ह्यूज इट्स जस्ट अ वेबसाइट तो क्या ये कॉस्ट जस्टिफाई करेगी इसके बेनिफिट्स को वेबसाइट तो पहले भी थी वी हैव अ वेबसाइट ऐसा नहीं है वेबसाइट पहले नहीं थी इनकम टैक्स की ऑलरेडी एक वेबसाइट थी चलो मैं तुम्हें वैसे ही दिखाता हूँ कि नई वेबसाइट और पुरानी वेबसाइट में अभी तक तो क्या फर्क है तुम्हें भी एक आइडिया होगा पता चलेगा प्रैक्टिकल लाइफ का दिस इज ई फाइलिंग टू पॉइंट इन्होंने नाम ऐसा दिया हुआ है तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है दिस इज फॉर ऑल दी टैक्स पेयर्स जो अपनी हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं जो तुमने सब्जेक्ट अभी पढ़ना है यू विल स्टडी दी सब्जेक्ट इन लाइक जो तुम्हारा एफ आई थिंक एफ F6 सिक्स है एफ सिक्स टैक्सेशन ये थोड़ा सा मोटा आएगा अभी फॉन्ट तो जो ये टैक्सेशन है ये तुम्हें अभी पढ़ना है वो टैक्सेशन सारा इसी वेबसाइट से रिलेटेड है हर कंट्री का अपना अपना टैक्सेशन होता है इंडियन टैक्सेशन के लिए हमारी ये वेबसाइट चलती है तो ये देखो ये एक वेबसाइट है ठीक है ये सारा चल रहा है इसमें काफी सारा डेटा है काफी सारी चीजें दिस वेबसाइट इज डिवेलप फॉर फोर्टी टू हंड्रेड क्रोर्स अब अभी ये वेबसाइट स्टार्ट नहीं हुई है प्रॉपरली वर्किंग इसने नहीं करी है तो जब ये कर लेगी हमें ये देखना है कि क्या ये जो वेबसाइट है ये वेबसाइट क्या उतना ही बेनिफिट हमें जितनी इसकी कॉस्ट है सेम चीज़ हमारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में होती है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का फायदा तभी होगा उस सिस्टम का अगर उसका बेनिफिट उसे ज्यादा होगा तो इसके लिए हम करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सी बी ए सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैन बी यूज टू असेस द एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे पढ़ लिया द डिज़ाइन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस A very refined system offers many benefit but at a cost. The advent of modern IT system has reduced the cost significantly. However, skilled staff have to be involved in the operation of information system and they can be very expensive to hire. Simple इसका मतलब क्या है कि हमारा जो IT system है आजकल technology इतनी advanced हो गई है जहाँ एक website पहले बहुत महंगी थी या बहुत सस्ती हो गई है चीजें सस्ती हो चुकी हैं लेकिन इसके लिए वी माइट हैव टू हायर स्किल स्टाफ जिनकी सैलरी पे बहुत ज़्यादा हो सकती है सो so, वो हमारी होती है टोटल कॉस्ट इलो को छोड़ दो कोई फ़ायदा नहीं है नॉट रिक्वायर्ड अब जैसे इन्होंने केस बनाया हुआ है हमें नहीं पढ़ना ऊपर इलस्टेशन जिसमें वैसे तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ से हमें क्या पता चले ये थी हमारी अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम की कॉस्ट अब तुम बोलोगे कि सर कॉस्ट ये थोड़ी है कि हर साल कॉस्ट लगती रहेगी अगर डेज़ के अकॉर्डिंग मैं लेके कर चलूँ या थ्री सिक्सटी डेज हैं तो हर हर रोज उसकी कॉस्ट लगती है तो क्या इसमें बहुत सारी कॉस्ट आती है मेंटेनेंस कॉस्ट भी आती है दे आर लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व वेबसाइट खाली है थोड़ी है कि एक सिस्टम बना दिया चल गया सिस्टम को मेंटेन करना हर महीने के उसके खर्चे तो वेबसाइट की हमारी जो कॉस्ट है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग कभी भी कॉस्ट कम नहीं होगी हमारी कॉस्ट बढ़ती रहेगी लेकिन उसके जो बेनिफिट्स हैं स्टार्टिंग में हमारे को बहुत बेनिफिट्स आते हैं उसके बाद मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती है नए सिस्टम्स आते हैं ये सॉफ्टवेयर आउटडेट हो जाता है तो इसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी बेनिफिट्स कम होते चले जाएंगे अब मैं तुम्हें इसका जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ एक मोबाइल हालांकि मोबाइल के लिए तो हम एक बार ही पेमेंट कर देते हैं बट जस्ट एन एग्ज़ाम्पल तुमने मोबाइल लिया मोबाइल की रिपेयर कॉस्ट ख़राब होता रहेगा तो जितना मोबाइल पुराना होता रहेगा उसको रिपेयर चाहिए होगी रिपेयर कॉस्ट उसकी बढ़ती जाएगी कभी ये खराब हो रहा है कभी वो खराब हो रहा है लेकिन उसकी जो बेनिफिट है वो बेनिफिट आगे जाके कम होने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो ये हमारा एक ग्राफ बनता है द इंफॉर्मेशन सिस्टम इज जस्ट लाइक एनी पार्ट ऑफ अ बिजनेस ऑपरेशन इट कॉस्ट एंड इट ऑफर्स ऑफर्सिफिट इन डिजाइनिंग एन इंफॉर्मेशन सिस्टम द अकाउंटेंट हैज टू टू फाइंड सम ऑफ कंपेयरिंग डिफरेंट ओपिनियंस ये आई थिंक उसी से है तो इसको भी गाइज एक बार पढ़ लेना ऐसी इन्स्टेशन एग्जाम में नहीं आती जस्ट गिव दिस अ प्लेन रीट समझने के लिए मतलब समझना तुम्हें मेन और कुछ नहीं है अब आता है कॉस्ट ऑफ अ न्यू सिस्टम नए सिस्टम में क्या क्या कॉस्ट होती हैं तो सबसे पहले आती है इनिशियल कॉस्ट जैसे मैंने बताया था परचेज कॉस्ट तो कॉस्ट टू डिज़ाइन एंड डिवेलप सिस्टम इफ सॉफ्टवेयर इज बीस पुक एक हमारा स्पेसिफिकली हमारी कंपनी के लिए हम सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं परचेज प्राइस ऑफ सॉफ्टवेयर इच इज इफ इट इज नॉट अ बीस पुक मतलब हम अपनी कंपनी के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर ना बनवा के मार्केट से बना बनाया सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर में मैंने विंडोज़ नहीं यूज़ करनी थी मैंने स्पेसिफिकली पैसे देखे अलग से अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनवाया वो चीज़ नहीं मार्केट से विंडोज़ परचेज कर ली परचेज कॉस्ट ऑफ न्यू हार्डवेयर कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू सिस्टम ट्रेनिंग कॉस्ट ये होती है हमारी इनिशियल स्टार्टिंग की कॉस्ट उसके बाद आते हैं रनिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ लेबर टाइम टू रन दिस सिस्टम कॉस्ट ऑफ मटीरियल जैसे पार्ट्स रिप्लेस होंगे रिपेयर होगा कॉस्ट ऑफ सर्विस सपोर्ट लाइक आई टी हेल्प डेस्क हमें सर्विसिंग करानी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की तो दैट इज रनिंग कॉस्ट ये हमारी होती है टोटल कॉस्ट यू सिस्टम कैन बी ऑबेन फ्रॉम टू सोर्सेस दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल तो इंटरनल इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं उसके लिए हमारे क्या क्या एक्सपेंसिस आ सकते हैं और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं उसके लिए क्या क्या एक्सपेंसिज आ सकते हैं चीज़ें दी हैं दोज आर नॉट वेरी गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग या सच बहुत ज़्यादा अच्छा था समझने के लिए नहीं है बट मैं तुम्हें यही वाले करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं तो बेटर है हम ये सारा एक बार पढ़ लें सो इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं उसकी क्या क्या एक्सपेंसेस हमें पे करने पड़ सकते हैं जैसे डायरेक्ट डेटा कैप्चर कॉस्ट एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ बार कोड स्कैनर इन अ मार्केट जैसे हमारी सुपर मार्केट है तो मुझे सीरियसली नहीं पता कि ये हमारी कॉस्ट कैसे होगी कॉस्ट ऑफ अ बार कोड स्कैनर इन अपर मार्केट अब बार कोड स्कैनर में भी हो सकता है ये परचेज के लिए बोल रहा हो कि जो हम सामान परचेज कर रहे हैं परचेज़ करने के लिए हम एक बार कोड स्कैनर परचेस करते हैं ताकि जो भी आइटम हम परचेस करें उसको स्कैन करके देख लें कि वो आइटम सही है कि नहीं तो दैट इज़ अ इंटरनल इन्फॉर्मेशन कि हमें बार कोड स्कैनर हमने परचेस कराए प्रोसेसिंग कॉस्ट एग्जाम्पल सैलरीज पेड टू पेरोल प्रोसेसिंग स्टाफ अब जो हम सैलरीज पे करते हैं पेरोल प्रोसेसिंग स्टाफ को प्रोसेसिंग कॉस्ट यू कैन से इसका एग्जाम्पल जैसे बैंक चार्जेस वैसे आजकल तो नहीं लगता आजकल तो सैलरीज वगैरह सारी ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाती है हमारी जेब से कोई भी पैसा नहीं जाता बट स्टिल जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बैंक को साइन किया हुआ है कि हर महीने हम आपको पैसे दे देंगे आपको सारे एम्प्लॉयज के अकाउंट में सैलरी जमा करानी है उसकी ये कॉस्ट है सो so, टेक्निकली वैसे ऐसा नहीं इनडायरेक्ट कॉस्ट एग्जाम्पल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड विच इज नॉट नीडेड और डुप्लीकेटेड हमने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसका कोई यूज नहीं था जैसे इसका एग्जाम्पल तुम बोल सकते हो कि तुमने इंटरनेट पे एक वेबसाइट परचेज कर ली तो अगर तुमने इंटरनेट पे कोई वेबसाइट परचेस कर ली तो परचेज कॉस्ट इज लाइक इंटरनल कॉस्ट अब तुमने जो इंफॉर्मेशन उससे कलेक्ट करी हालांकि दैट इज एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन नॉट इंटरनल इंफॉर्मेशन बट वही इन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ तो मैं चाहता नहीं इस पार्ट को छोड़ू सो दैट्स वाई इनडायरेक्ट कॉस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट किया विच इज़ नॉट नीडिड और मे बी डुप्लीकेटेड जैसे कोई भी जैसे बार कोड हमने ले लिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी जस्ट एन एग्जाम्पल तो पता नहीं मुझे नहीं पता इन्होंने कहाँ से ये कैसे करा है एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल रेलिवेंट बट स्टिल कराना ज़रूरी है कई बार आ जाता है कि विच ऑफ़ दिस इज़ नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल इन्फॉर्मेशन कॉस्ट विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल इन्फॉमेशन कॉस्ट ये आ जाता है सो डायरेक्ट डेटा कैप्चर कॉस्ट तो तुम ये चीज़ लर्न करना डायरेक्ट डेटा कैप्चर कॉस्ट प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट दीज आर इंटरनल इंफॉर्मेशन कॉस्ट और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट हमारी आएंगी न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन इंटरनेट सब्सक्रिप्शन इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा वेस्ट टाइम फाइंडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कॉस्ट एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एग्जाम्पल सिस्टम एनेबलिंग इंटरनेट सर्च पता नहीं मुझे नहीं पता इन्होंने कहाँ इतना खर्चा लिखा हुआ है विच इज़ नॉट रेलिवेंट तो ये इस पार्ट को लेट्स बस यहीं तक पढ़ लेते हैं बस कुछ एक बार ठीक है तुम बोलोगे सर ने क्या किया सर ने टॉपिक ना ढंग से कराया ना पूरा बताया सोच रहे होंगे आई नो मैं इसलिए बता रहा हूँ गाइज़ क्योंकि ये टॉपिक का मैंने एक दो क्वेश्चन काफ़ी जगहों पे देखे हैं और वो क्वेश्चन इसी टाइप के पूछते हैं कि बताओ विच इज़ विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल इंफॉर्मेशन विच ऑफ दिस इज़ अ इंटरनल इन्फॉर्मेशन कॉस्ट तो ये एक बार बस पढ़ लेना थोड़ा सा इस पार्ट को लर्न कर लेना अब आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन जो हम इंफॉर्मेशन बनाते हैं प्रोड्यूस करते हैं उसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है अब इस पैराग्राफ में क्या लिखा है मैं तुम्हें क्रक्स बता देता हूं अच्छा पैराग्राफ है समझने वाला है इसमें लिखा हुआ है लेट से फॉर एग्जांपल हमें मार्केट से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर से कलेक्ट करनी है या इंटरनल इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन हमें जो कलेक्ट करनी है और इंफॉर्मेशन बेसिकली डेटा कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है यूज़फुल इंफॉर्मेशन में तो उसके लिए वी नीड पीपल है ना लोग चाहिए जो ये डेटा कलेक्ट करें डेटा कलेक्ट करके इसको समराइज करें इससे यूज़फुल इंफॉर्मेशन बनाएं जैसे क्या होता है तुम्हें पता होगा जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में इंडिया Uh, में मोस्टली आउटसोर्सिंग कंपनीज इन प्रोसेस भेजती हैं टू द अदर कंट्रीज ठीक है तो पॉइंट इज ये जो इंडिया में लोग होते हैं इनका काम क्या होता है ये सारा डेटा जो ये कंपनीज इनको भेजती हैं उस डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं सो दैट इज द कॉस्ट सो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन में यही बताया हुआ है कि मोस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट जो एक कंपनी के लिए होती है दैट इज द लेबर कॉस्ट पीपल जो ये खर्चा करते हैं वेन न्यू पीपल आर हायर्ड प्रोसेस इज चेंज और सॉफ्टवेयर इज अपग्रेडेड देन स्टाफ विल रिक्वायर ट्रेनिंग एज वेल उनको ट्रेनिंग का भी खर्चा करना पड़ेगा नया सॉफ्टवेयर आया है इस सॉफ्टवेयर में ऐसे काम होगा इस सॉफ्टवेयर से ऐसी इन्फॉर्मेशन बनेगी तो उस चीज़ का और नया खर्चा ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग इज इन टर्म्स ऑफ पेइंग फॉर ट्रेनर ट्रेनर के पैसे पेइंग वेजेस फॉर पीपल बीइंग ट्रेन जिन लोगों को ट्रेन किया है उनको वेजेस देनी पेइंग वेजेस फॉर समवन हु डू द नॉर्मल वर्क फॉर द पर्सन बीइंग ट्रेन्ड ये एक ही बात है गाइस कुछ नहीं है इसमें पेइंग फॉर वेजेस फॉर टू तो डू अ नॉर्मल वर्क फॉर द पर्सन बीइंग ट्रेन जो पर्सन ट्रेन हुआ है उसको वेज देना पेइंग फॉर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग वेन्यू हमने जहां पर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराई थी हो सकता है ऑफिस में ना करा के बाहर कराई हो लॉस प्रोडक्टिविटी वाइल पीपल आर बींग ट्रेन जब लोगों को हमने ट्रेनिंग कराई थी तो हमें हो सकता है अपनी फैक्ट्री दो दिन के लिए बंद रखनी पड़ी क्योंकि नया सिस्टम आया था तो वहां पे लॉस ऑफ प्रोडक्शन जो हमारा हुआ है स्लोअर प्रोडक्टिविटी वाइल पीपल लर्न ऑन जॉब कि अगर काम करते करते ऑफिस में ही वो लर्निंग कर रहे हैं सीख रहे हैं तो गलतियाँ कर रहे हैं वो मिस्टेक्स सो दीज ऑल आर लाइक इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन ये सारी कॉस्ट हमारी इंफॉर्मेशन में आती है कंसिडर होती है अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो सकती है लॉस ऑफ स्टाफ मुराल डिलेज अपाफ का मुराल डाउन है डी है स्टाफ अब डीमोटिवेटेड है तो वो कम काम करेगा कम काम करेगा तो लॉस होगा डिले कॉज इन अदर प्रोजेक्ट ऑफ द बिजनेस जनरल डिसलोकेशन कॉज बाय सिस्टम चेंज अपसेटिंग कस्टमर्स फ्रॉम सिस्टम चेंज इनकम्पैटेबिलिटी विद अदर सिस्टम्स सो बेसिकली तुम देखो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ये बेसिकली कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड हमारी और क्या क्या कॉस्ट हो सकती है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम चेंज की वजह से बिजनेस में जो लॉस हुआ सिस्टम चेंज की वजह से कस्टमर जो हमारा चला गया इनकम्पैटेबल विद अदर सिस्टम जो हमने सिस्टम बनाया वो दूसरे सिस्टम के साथ इनकम्पैटेबल था तो लॉस हुआ अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर अमेंडमेंट जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने पड़े उसका खर्चा टेलरिंग मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ़ फेलियर ड्यू टू इन अप्रोप्रिएट सिस्टम सिस्टम जो था नहीं चला उसकी वजह से बहुत लॉस हो गया so, सो ये सारी हमारी जो कॉस्ट है दैट विल बी कंसिडर्ड एज़ इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्फॉर्मेशन तो तुम्हें इसका एक क्रक्स जो याद रखना है वो ये है कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड जो भी हमारी कॉस्ट होती है दैट विल बी कंसिडर्ड एज इन्फॉर्मेशन सिस्टम कॉस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर में क्वेश्चन आता है जैसे राहुल इज अ बिजनेस मैन हुआ क्या उसका डेटा था वो लॉस हो गया और डेटा लॉस की वजह से उसको नया डेटा इंकॉर्परेट करना पड़ा जिसका उसका काफ़ी खर्चा हो गया तो विल दिस कॉस्ट बी इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ़ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन येस क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड था सिस्टम में डेटा था उसमें खराबी हो गई जिसकी वजह से सिस्टम खराब हो गया है जो भी वॉट एवर थिंग इज़ सो ये सारी चीज़ें हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आती हैं ये बहुत ही डिफरेंट चैप्टर है और इस पार्ट को बहुत डिटेल वर्ड टू वर्ड पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है मैं तभी थोड़ा सा जल्दी से करा रहा हूँ फर्दर मोर इन टजेबल इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्फॉर्मेशन अब हालांकि देखा जाए तो ये भी इनटैंजबल कॉस्ट ही है डीमोटिवेटेड स्टाफ ये कोई दिखता थोड़ी है तो फर्दर मोर इनटैंजेबल इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड रिड्यूस क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड कि क्वालिटी कम हो गई इन्फॉर्मेशन की जो डेटा था वो इतना ज्यादा डेटा था कि यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट अगर हुआ तो वो ठीक से हो ही नहीं पाया पोअर डिसीजन मेकिंग ड्यू टू इन्फॉमेशन ओवरलोड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से हमारा पोअर डिसीजन मेकिंग हुआ टू मैनी एरियाज़ टू फोकस ऑन सो इशूज़ नॉट अप इतने सारे एरियाज़ पे जब इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाना था इतने सारे एरियाज़ पे फोकस करना था कि कुछ समझ ही नहीं आया और गलत सिस्टम बन गया फोकस ऑन रॉन्ग थिंग्स हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हुए गलत चीज़ पर फोकस करके सिस्टम बनाया जैसे सिस्टम फेल हो गया सो दीज आर इन टजेबल कॉस्ट ये सिर्फ एक बार पढ़ने वाली है ठीक है बेनिफिट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन सिस्टम अगर एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है बिजनेस में उसके बेनिफिट क्या होते हैं तो हमने कॉस्ट तो पढ़ ली एक बार ये तो सारी ऊपर हमने कॉस्ट देख ली क्या, क्या क्या टाइप के खर्चे हो सकते हैं जिसको हम मानेंगे कि वो सॉफ्टवेयर का खर्चा है मतलब सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली रिले इनडायरेक्टली रिलेटेड कोई भी खर्चा अगर हमारा होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज सॉफ्टवेयर कॉस्ट ठीक है अभी हमने एफ टू में सिर्फ कॉस्ट पढ़ी थी लेकिन कॉस्ट देखी नहीं थी कि क्या क्या होती है तो जो भी कॉस्ट नया सिस्टम लगाने के लिए हुई है नए सिस्टम में लेबर मेंटेनेंस ट्रेनिंग गलतियां हुई है प्रॉब्लम हुई है रिपेयर हुई है वो सारी की सारी कॉस्ट हमारी इंक्लूड होगी कॉस्ट में कॉस्ट सिस्टम क्या होंगे एनहेंस एफिशंसी एंड कैपेसिटी बेटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन बेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इम्प्रूव शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन बेटर डिसीजन मेकिंग एंड कस्टमर सर्विस तो ये हमें फ़ायदे होते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन सिस्टम के तो जैसे चलो एक काम करते हैं ये छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं अ सेल्स डायरेक्टर इज डिसाइडिंग वेदर टू इम्प्लीमेंट अ न्यू कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हिज डिपार्टमेंट इज़ ओनली न्यू अ फ्यू कंप्यूटर्स एंड हिस सेल्स पर्सन आर नॉट कम्प्यूटर लिटरेट मतलब कंप्यूटर की उसके स्टाफ को ज़्यादा नॉलेज नहीं है

दे आर दे आर मोर एबल टू मीट कमिटमेंट एंड कैन वर्क मोर एफिशियोडक्शन एंड डिलीवरी स्टाफ हिस्साशियल कॉस्ट बेनिफिट कॉस्ट देखते हैं उसको टेन कम्प्यूटर्स लगवाने पड़ेंगे टू थाउजेंड ई अब टेन कंप्यूटर्स टू थाउजेंड ई के वो लगाएगा तो इंस्टॉलेशन सेल्स सपोर्ट सॉफ्टवेयर हमें परचेज करना पड़ेगा देन उसके बाद ट्रेनिंग कॉस्ट जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के लिए हमें आठ बंदे और चाहिए कीबोर्ड स्किल्स के लिए आठ बंदे और चाहिए सेल सपोर्ट सिस्टम के लिए इतने बंदे और चाहिए जिनको इतने पैसे देंगे ट्रेनिंग के अदर कॉस्ट जो हमारा ये टाइम पीरियड नया सॉफ्टवेयर सिस्टम इंस्टॉल होने में लगेगा वहाँ पर फोटी डेज़ हमारे लॉस हो जाएंगे नॉर्मली एक दिन में एक बंदा इतने पैसे कमा के देता था लॉस सेल्स ये होगा लॉस सेल्स थ्रू इन एफिशेंसी ड्यू टू फर्स्ट मंथ एस्टिमेट टेन थाउजेंड कि नया नया सिस्टम जब हमारे फैक्ट्री में लगा था तो उसकी वजह से स्टार्टिंग में लोगों को काम करने में दिक्कत आई थी जिसकी वजह तो से हमारी लॉस सेल्स हुई हैं तो यहाँ से अपडेट कर लिया कि नए सिस्टम को इनकॉर्परेट करने की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी अब आगे उन्होंने सारे बेनिफिट्स निकाले हैं ट्रिपलिंग ऑफ मेल शॉर्ट कपेसिटी इतना फ़ायदा होगा एबिलिटी टू सस्टेन टेलीकास्ट कैंपेन्स इतना फ़ायदा इम्प्रूव्ड एफिशियंसी इन लाइबिलिटी इतना फ़ायदा तो ये सारे टोटल बेनिफिट निकाल दिए तो टोटल बेनिफिट है दिस तो एवरेज जो टोटल कॉस्ट आएगी सॉफ्टवेयर की वो इतनी है और एवरेज जो बेनिफिट्स आएंगे वो इतने आएंगे दैट मीन्स ये सॉफ्टवेयर लगाने का फायदा है क्योंकि बेनिफिट्स आर मोर देन दी कॉस्ट बस वही चीज़ जो मैं पहले एफ टू में हमने शॉर्ट में पढ़ी थी इन्होंने उसको इलाबोरेट कर दिया दैट्स इट लॉजिक रिमींस द सेम नेक्स्ट आता है सिस्टम आर्किटेक्ट एंड डेटा फ्लो ये सारा का सारा टॉपिक मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कंप्यूटर से रिलेटेड है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से सो so, सबसे पहली बात है व्हाट इज नेटवर्क अब नेटवर्क क्या होता है या आजकल के बच्चों को तो सब पता होता है जैसे तीन कंप्यूटर्स हैं आजकल तो सबको पता होगा वाई क्या होता है मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा इस दुनिया में ऐसा होगा जिसको मतलब आज की डेट में जिसको वाई नहीं पता क्या होता है तो वाई क्या होता है जो सिस्टम को वायरलेसली कनेक्ट करता है लैन शायद तुम सबको ना पताओ क्योंकि लैन बहुत पुराना था मतलब अब तो वाईफाई आ चुके हैं पहले वाईफाई नहीं होता था पहले लैन होता था लैन में क्या होता था लैंड मींस लोकल एरिया नेटवर्क जैसे अभी क्या होता है अगर तुमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करना है तो तुम वाईफाई से ही ट्रांसफ़र कर ले तो आजकल तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर्स आते हैं डेटा ट्रांसफर के पहले क्या होता था जब वाई नहीं था तो ये तीनों कंप्यूटर्स वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होते थे जिसको बोलते थे लैन तो लैन में ये तीनों कंप्यूटर्स वायर्स के थ्रू कनेक्ट होते थे तो मगर देखना अपने पीसी में पीछे जो तुम्हारा सीपीयू है उसमें पीछे एक ऐसा छोटा सा बॉक्स बना हुआ मतलब इतना सा उसका साइज़ पूरी स्क्रीन पे अगर मैं लगा के चलूँ जो पूरी स्क्रीन तुम्हारे लैपटॉप या फ़ोन में आ रही होगी इतना साइज अप्रॉक्सीमेट होगा उसका तो जैसे टेलीफोन आजकल तो टेलीफोन भी लैंडलाइन घर में होते नहीं है सबके पास मोबाइल है तो जैसे लैंडलाइन में एक वायर घुसती है वैसे ही लैन की एक वायर होती है ठीक है तो लैन वायर से क्या होता था हमारा डेटा ट्रांसफर होता था एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उसका नुकसान क्या था कि एक छोटे ऑफिस में ही लैन वायर चल सकती है अगर हमारा ऑफिस दूसरी स्टेट में है वहाँ पे लैन वायर कैन नॉट वर्क हम ये थोड़ी कर सकते हैं लैन वायर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ज़मीन में बिछाएं वो चीज़ वहाँ पॉसिबल नहीं हो सकती सो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट देयर कंप्यूटर्स टू लोकल एरिया लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज लैन एनेबलिंग देम टू शेयर डेटा एग्जाम्पल वाया ई मेल टू शेयर जैसे प्रिंटर्स कनेक्ट होते हैं एक ही प्रिंटर है हमारा उसको हमने लैंड से कनेक्ट कर दिया तो सारे के सारे जो पीसीज हैं वो डायरेक्टली उस प्रिंटर से प्रिंट ले सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क आर यूज टू कनेक्ट लैंड टूगेदर सो दैट कंप्यूटर यूज इन वन लोकेशन कैन कम्युनिकेट विद कंप्यूटर यूज इन अलग डिफरेंट लोकेशन सो उसके लिए यूज़ होता था वैन इम्प्रूवमेंट्स इन ब्रॉडबैंड स्पीड एंड सिक्योरिटीज है ईज कम्युनिकेशन अक्रॉस साइट एंड फ्रॉम होम इस सबको पता है अ नेटवर्क शुड फेसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस कि नेटवर्क क्या होता है वो एक एरिया से एक जगह से दूसरी जगह हमें जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है वो अच्छे से ट्रांसफर कर सके अब बात आती है इंट्रानेट अब तुम कहोगे सर इंटरनेट तो हमें पता है क्या होता है इंटरनेट तो हमें पता, है क्या, होता है? तो हमें पता है क्या होता है अब इंटरनेट क्या होता है सो इंटरनेट बेसिकली होता है इंटरनल नेटवर्क इन एन ऑफिस टू शेयर इंफॉर्मेशन जैसा मैंने ये बताया है कि ये लैन है लैन वैन के एक ही ऑफिस में डेटा ट्रांसफर हो सकता है वन कंप्यूटर टू अनदर सो दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट इंटरनेट होता है हम बाहर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वेबसाइट्स कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमारी नहीं होती यहाँ तो हम हमारे पास लाइक एक ड्राइव होती है तो वहाँ पे सारे ड्राइव पे अपना डेटा डाल देते हैं ये इसको एक्सेस कर सकते हैं इसको एक्सेस कर सकता है सो दैट इज इंट्रानेट एंड इंट्रानेट इज़ इंटरनल नेटवर्क यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन दिस इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क कंटेंड विद इन दर्गनाइजेशन इट अलाउस कंपनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग रिसोर्स टू बी शेयर अमंग एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स आर यूज नेटवर्क कंप्यूटर्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन हेल्ड ऑन अ सर्वर जैसे एग्जाम्पल इसका क्या होता है इंटरनेट का जैसे ये काफी सारे ऑफिस में पीसीज हैं ठीक है और ऑब्वियसली उस ऑफिस में एक मेन सर्वर है जिसमें बहुत सारा डेटा पड़ा है सॉफ्टवेयर्स हैं वहां से कुछ वहां पे काफी सारी इंफॉर्मेशन है कंपनी की तो इनको क्या करना होता है एवरी डे एक इंप्लॉय आता है वो अपने सिस्टम को यहां से कनेक्ट करता है यहां से अपने लिए जो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए वो डाउनलोड करता है और उस पर वर्क करनी शुरू कर देता है ऐसे ये करता है ऐसे ये करता है ऐसे ये करता है ऐसे ये करता है और सेम ये भी कर लेता है फिर शाम को जाते टाइम यहाँ पे अपना सारा जो भी उसने काम किया होता है वो अपलोड कर लेता है सो दैट इज़ लाइक एन इंटरनल नेटवर्क इन एन ऑफिस तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉस है इसको चेक करना है इस पॉस ने कितना काम किया है तो इस सॉफ्टवेयर में जाएगा इस ड्राइव पे जाएगा यहाँ चेक करेगा इसने शाम को कितना काम किया डायरेक्टली चेक कर लेगा दैट इज़ लाइक अ इंट्रानेट और इसको जैसे बोल सकते हैं ऑफिस ई मेल ऑफिशियल ई मेल जो होती है दैट इज लाइक इंट्रानेट कि इंटरनली जो हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं अब आता है फायर वॉल अब फायर वॉल क्या होता है सो पता फायर वॉल बट मैं टेक्निकली थोड़ा तुम्हें देता था वॉट इज फायर वॉल जैसे ये एक ऑफिस है जैसे मैंने बताया था इंट्रानेट क्या होता है के ऑफिस के जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं दोज आर कनेक्टेड टू अ सर्वर विच इज़ ऑफिशियल सर्वर जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था तो कई बार क्या होता है अभी सर्वर जो होता है दैट इज ऑन क्लाउड क्लाउड मतलब जैसे आजकल गूगल ड्राइव है जो मेरी वन ड्राइव है जहाँ पे डेटा स्टोर है दैट इज क्लाउड अब वो जो क्लाउड है जैसे मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे मेरा ये चैनल है स्मार्ट कॉमर्स क्लासेज तो हैज़ द एक्सेस जिसको जिसके पास वो लिंक है अब मेरा जो क्लाउड है उसमें बहुत सारा डेटा है तो तुम एक बात बताओ तुम सीधा सीधा जब तुम क्लिक करते हो उस लिंक पे तुम्हें सिर्फ मेरी ड्राइव में वो पार्ट खुलता है जिसका मैंने तुम्हें एक्सेस दिया हुआ है यू कैन नॉट एबल टू एक्सेस दी इसमें मेरा काफ़ी सारा सामान पड़ा है सो so, होता क्या है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो ड्राइव होती है इसमें बाहर का कोई सॉफ्टवेयर को, कोई पर्सन बाहर का हैकर या कोई भी पर्सन इंफॉर्मेशन एक्सेस ना कर सके सिर्फ ऑफिस के लोग ही एक्सेस कर सकें जिनको इस चीज का ऑथोराइजेशन मिली हो उसके लिए एक फायरवॉल बनाया जाता है अ फायरवॉल सराउंडिंग एन इंटरनेट फेंस ऑफ अनऑथोराइज एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ईच इम्प्लॉई हैज अ ब्राउजर हर एक के पास ब्राउजर होता है जैसे गूगल क्रोम यूज टू एक्सेस अ सर्वर कंप्यूटर दैट होल्ड्स कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन ऑन अ वाइड ऑन टॉपिक्स इन सम केसिस ऑल्सो ऑफर्स एक्सेस टू इंटरनेट वेब रूम तो क्या होता है ऑफिसिस के अंदर ये बहुत पुराना टाइम है आजकल तो वैसे चेंज हो गया जैसे ऑफिस के अंदर क्या होता है एच टी टी पी कुछ करके होता है मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है यहाँ पे हमारा आता है कंपनी का सर्वर अब कंपनी के सर्वर में सिर्फ वही पर्सन एक्सेस कर सकते हैं जिसके पास इसका ऑथोराइजेशन है एक पूरा ऐसे होता है प्लस यहाँ पे इस इंटरनेट एक्सप्लोरर में यू कैन ऑल्सो सर्च डिफरेंट वेबसाइट्स अब आजकल तुम्हें पता होगा जो वेबसाइट्स होती हैं सब में कुकीज़ होती हैं कुकीज़ क्या होता है ये खाने वाली कुकीज़ नहीं होती कुकीज़ आर लाइक वट एवर यू सर्च ऑन द इंटरनेट जो भी तुम सर्च करते हो वो तुम्हारा कुकीज़ में स्टोर हो जाता है जैसे बहुत सारे बच्चों ने नोटिस किया होगा कि जब तुमने मान लो Amazon से यू लुक फॉर सम प्रोडक्ट अब उसके बाद जब तुम कोई इंस्टा या YouTube चलाओगे या वैसे कोई भी गेम खेलोगे तो काफ़ी बार जो तुमने लेटेस्ट Amazon में सर्च किया था उसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट आती है दैट मीन्स कैसे डिमांड क्रिएट करते हैं ये तो मैं इतना डिटेल में नहीं चाहूँगा तुम्हें बताने के लिए बट दैट मीन्स दे हैव द एक्सेस दो गेम है उसके पास भी उस चीज़ का एक्सेस है कि तुमने क्या चीज़ इंटरनेट पर सर्च की है तो सारा डेटा हमारा काफ़ी हद तक हमारा एक तरह से इनसिक्योर होता है तो उस चीज के लिए फायरवॉल बनाया जाता है ईच इंप्लॉय हैज अ ब्राउजर यूज टू एक्सेस अ नेटवर्क कंप्यूटर दैट होल्ड्स कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन ऑन अ वाइड वराइटी ऑफ टॉपिक्स एंड इन सम समूज इंटरनेट एप्लीकेशन इंक्लूड्स कंपनीज न्यूज पेपर इंडक्शन मेटीरियल प्रोसीजर एंड पॉलिसी मैनुअल इंटरनेट डेटाबेस सेविंग अ क्रू फ्रॉम द एलिमिनेशन ऑफ स्टोरेज प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट That कैन बी मेड अवेलेबल टू employee ऑनलाइन ये इन्होंने क्या लिखा हुआ ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया अच्छा मैंने पॉज तो so, पहला फायदा तो ये होता है कि rather देन उसके प्रिंटआउट निकाल के हर इंप्लॉय को हैंड हार्ड कॉपी देने के उसे बेटर हम सर्वर में डाल दो जिसको चाहिए वो सर्वर से ऑटोमेटिकली वहाँ से इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर ले जब भी उसको चाहिए हो हमें स्पेसिफिकली स्टोरेज का प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बच जाता है डॉक्यूमेंट्स जो ऑनलाइन होली यूज देन दोज आर कैप्ट इन फाइल्स अवे स्पेशली इफ डॉक्यूमेंट इज बल्की एंड नीड टू बी सर्च दिस मीन्स दैट देर आर इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशियंसी इट इज़ मस्ट ईजियर टू अपडेट इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम तो आई थिंक ये यहाँ पे एक लाइन लिखना भूल गए हैं दिस इज बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन एप्लीकेशन के बेनिफिट क्या होते हैं आई थिंक वो ये लिखना भूल गए हैं तो उन एप्लीकेशंस के ये बेनिफिट्स होते हैं अब एक है टेस्टर अंडरस्टैंडिंग थ्री एक बार पढ़ते हैं जल्दी से एच आई इज अ लार्ज इंपोर्टर ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एच आई हैज इट्स हेड ऑफिस सिचुएटेड इन देंटर ऑफ द कैपिटल सिटी दिस हेड ऑफिस सपोर्ट्स इट एरिया ब्रांचेस ओके जो इसका हेड ऑफिस है वो जितनी भी इसकी एरिया ब्रांचेस हैं पता नहीं आज मेरी राइटिंग को क्या हो गया इस मैं सुबह से लिख रहा हूँ शायद इस वजह से जितनी भी इसकी एरिया ब्रांचेस हैं उसको सपोर्ट करता है अ ब्रांच कंसिस्ट ऑफ एन एरिया ऑफिस अ वेयर हाउस

Head office dispatch the goods from their central warehouse to the appropriate area office. When the central warehouse becomes low on a particular item, HI will raise purchase order and send them to one of their many international suppliers. Typically, each area office has its own stock recording system running on locally networking personal computer system RSF that means required stock form are emailed to the head office. हाउ वुड द इंट्रोडक्शन ऑफ intranet, intranet इंट्रानेट performance परफॉर्मेंस विद इन एच आई अब देखो ये बता रहे हैं कि जैसे ये हेड ऑफिस है ये डिफरेंस इसके सेवन एरियाज हैं ठीक है थीके? ये इससे किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड नहीं है बस ये सिंपल इसकी ब्रांचेज हैं जब भी किसी ब्रांच को कुछ सामान मंगाना होता है तो वो एक आर एस एफ आई थिंक आर एस एफ ये आर एस एफ रिक्वायर्ड स्टॉक फॉर्म फिल करता है वो फॉर्म भर के इसको ई मेल करता है ई मेल करने के बाद जैसे इसको वो फॉर्म मिल जाता है ये चेक चुक करके देन ये जितना भी डेट सामान इसने मंगाया होता है वो आर एस एफ को भेज देता है और जब इसके खुद के पास डेटा ख़त्म हो जाता है चेक करता है ये तो फिर ये अपने इंटरनेशनल सप्लायर से माल मंगा लेता है अब हमें ये बताना है कि इंट्रानेट का यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा तो इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर उन्होंने अपना एक इंटरनली ही एक सिस्टम बनाया हुआ है इंफॉर्मेशन सिस्टम जो सारे जगहों से कनेक्टेड है तो इसको यहाँ से इस फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो फॉर्म बना के यहाँ पे भेजे वो यहीं से चेक कर सकते हैं कि इस एरिया के गोडाउन में कितना स्टॉक अवेलेबल है कितना स्टॉक नहीं है और जैसे ही वो लो से नीचे आया साथ ही इसके पास एक इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी ये चेक करेगा कि हाँ ये लो से नीचे पहुँच चुका है जैसे लिस्ट है हमारी डेटा लिखा हुआ है उसमें ओके नॉट ओके या मीडियम हाई लो जो लो में पहुंच गया मतलब वहां पे मुझे स्टॉक भेजना पड़ेगा और इसने ऑटोमेटिकली वहां पे स्टॉक भेज दिया सारी सारी डिटेल सेंट्रलाइज है सो so, ये होंगे बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट इन दिस केस सो आई वुड से इसका सॉल्यूशन एक बार रीड ज़रूर करना ताकि तुम्हें एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो जाए कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इंटरनेट के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं कराने को मैं करा दूं बट इज नो पॉइंट तुम एक बार रीड करो पढ़ो समझो तुम्हें खुद अच्छा लगेगा मैंने तुम्हें लॉजिक बता दिया मतलब बता दिया नेक्स्ट आता है क्लाउड कंप्यूटिंग अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है दिस इज ऑल्सो लाइक इंटरनेट तो क्लाउड कंप्यूटिंग सो गई पास है ऑफिस के अंदर नहीं है दिस इज नॉट ऑन माय ऑफिस दिस इज ऑन क्लाउड क्लाउड मतलब बादलों नहीं क्लाउड मतलब माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में इतना डेटा उन्होंने इतना एरिया स्पेस मुझे दिया हुआ है बिच आई कैन यूज नेक्टेड थ्रू इंटरनेट ये इंटरनेट से कनेक्ट होता है इसको इंटरनेट की जरूरत नहीं है ये तो वायर से कनेक्ट होता है तो विदाउट इंटरनेट ऑल्सो देख सी दी डेटा देखें ट्रांसफर दी डेटा बट यहां पर क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए यू नीड अ इंटरनेट तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग नेटवर्क ऑफ रिमोट सर्वर होस्टेड ऑन द इंटरनेट टू स्टोर मैनेज एंड प्रोसेस डेटा राधर देन अर्वर और अ पर्सनल कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज ऑन डिमांड एक्सेस टू डेटा जब भी मुझे चाहिए मैं अपना ड्राइव ओपन करता हूं और वहां जाके आई कैन सी माई डेटा जैसे मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं डी मतलब जिसमें मेरा सारा क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड स्टोरेज दिस इज नॉट ऑफ कोर्स ये तो मेरे सिस्टम के अंदर ही एस टी कार्ड है दीज आर क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड स्टोरेजेस के अनलिमिटेड स्पेस तुम बोलोगे कि सर आपको तो वन टेराबाइट बाइट मिले तो अनलिमिटेड कैसे होगा मैंने एक्सेस वन टेराबाइट के लिए मैं चाहूँ तो एक हज़ार टेरा का भी एक्सेस ले सकता हूँ तो ऑब्वियसली उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा लगेगी तो रादर देन मेकिंग अस्टम सिस्टम का स्पेस वाला सिस्टम लेना वैन लैन ये सब करना तो काफ़ी खर्चे हमारे उसमें बच जाते हैं मैंटेनेंस के सिस्टम के फिजिकल स्पेस बच जाती है रिड्यूस कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज एवरी थिंग इज डन बाय थर्ड पार्टी सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट वाले करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले ही उस डेटा को सिक्योर रखेंगे उनकी रिस्पॉसिबिलिटी के मेरा डेटा सिक्योर रहे अगर मेरे कंप्यूटर में होता तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि कोई भी बंदा इसको एक्सेस ना कर सके किसी ने वायर पर टांका लगा के एक्सेस कर लिया जस्ट एन एग्जाम्पल तो वो चीज़ ना हो सके इस पर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिस ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सिस्टम्स मेक इट ईजियर फॉर फाइनेंस पीपल टू टेक लीड अराउंड वॉट गुड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन लुक्स लाइक सच एज बाई प्रोवाइडिंग एबिलिटी टू टैग इन वॉइस एंड अदर इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंस के लोग होते हैं बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि क्लाउड से फ़ायदा ये होता है आ, वैसे प्रॉपर उसका पोटेंशियल बेनिफिट नहीं है क्लाउड का बट इन्होंने एग्जाम्पल ये दिया है कि जो फाइनेंस पीपल होते हैं जैसे ऑडिटर होता है ऑडिटर को चेकिंग करनी होती है तो रादर देन फिजिकल कॉपी के मैंने क्या किया मैंने क्लाउड पे अपने सारे इन्वाइसेज शेयर कर लिए और इन्वाइस का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दिया वो सारा मैंने क्लाउड पे रख के उनके साथ शेयर कर लिया लैंड के केस में तो क्या होगा लैंड के केस में तो मुझे उनको सिस्टम देना पड़ेगा जो लैंड से कनेक्टेड हो या उनके सिस्टम में मुझे वायर लगानी पड़ेगी क्लाउड कंप्यूटिंग में मुझे ऐसा कुछ नहीं करना मैंने सिर्फ उनको एक्सेस दे दिया कि येलो एक्सेस जैसे मैंने तुम सबको दिया हुआ है मेरी बुक्स का वैसे मैंने उनको एक्सेस दे दिया सो फाइनेंस पीपल के लिए दिस इज़ बेनिफिशियल बैकअप सेफ्टी नेट सो इम्प्लॉयज कैन री स्टोर एंड एक्सेस वर्क इन प्रोग्रेस मेकिंग इट मोर एफिशियंट देन लेगेसी सिस्टम इट अलाउज देम टू वर्क फ्रॉम एनी वेयर बेसिकली वर्क फ्रॉम एनी वेयर का कॉन्सेप्ट है कि कहीं से भी वो काम कर सकते हैं एवरी थिंग इज कनेक्टेड टू क्लाउड सब कुछ कनेक्टेड है वो अपने क्लाउड से कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं जहाँ उन्होंने काम छोड़ा वो ऑटोमेटिकली क्लाउड में स्टोर हो गया सिक्योरिटी

तो मेरा वो वाला खर्चा भी बच गया एजिलिटी दैट इज इम्प्लीमेंटेशन टाइम फॉर क्लाउड आर वेरी शॉर्ट द टेक्नोलॉजी इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम क्लाउड ऑल्सो मेक्स इट ईजियर फॉर टीम अक्रॉस द ग्लोब टू वर्क ऑन सेम प्रोजेक्ट एट रियल टाइम क्लाउड से बेसिकली क्या होता है कई बार अगर हमने अपना एक ऑफिशियल सिस्टम बनाया है इंडिया का तो हो सकता है इंडिया का जो वैन है वो बाहर एक्सेप्टेबल ही ना हो बाहर वो चीज़ ओपन ही ना हो मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़े तो मैं डेटा कैसे एक्सेस करूंगा दैट्स अ बिग प्रॉब्लम लेकिन क्लाउड जो होता है क्लाउड इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल तुम कहीं से भी किसी भी स्मार्टफोन किसी भी टैब किसी भी लैपटॉप से क्लाउड का जो मेरा वन ड्राइव है इफ़ आई हैव दी एक्सेस आई कैन ओपन दैट सो ये एक क्लाउड का बेनिफिट होता है दैट इज एजिलिटी कि वो कहीं से यूनिवर्सली उसको हम यूज कर सकते हैं ये होता है हमारा क्लाउड एंड हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरानेट ठीक है नॉट इंटरनेट इंटरानेट ठीक है गाइस आज इतना ही करते हैं काफी बड़ी रिपीट कर दूंगा एंड नाउ आई विल बी मेकिंग दिस चैप्टर्स वीडियो मोर फ्रीक्वेंट एंड जितना जल्दी हो सकता है मैं इस चैप्टर को फिनिश कर इस सब्जेक्ट को फिनिश करूंगा गाइस ठीक है चलो ओके टेक केयर बाइज